की अहम चीज और अहम पैगाम अगर कुछ है तो वो यही है कि अच्छा खाना खाइए, वक्त पे खाइए, और जिस चीज से हमको ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, और हमको एनर्जी मिलती है, उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरबियती प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे, ऐसे राइटिंग भी हुई और प्रेजेंटेशन भी हुआ, आपके सामने सारी बातें रखी गई। तो मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। तो एक तरफ न्यूट्रिशन का प्रोग्राम था, तो दूसरी तरफ सेकेंड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से सुमानी साहब और सुल्तान साहब और उनकी टीम सेकेंड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स सारे मिलकर एक बच्चों का स्क्रीनिंग हेल्थ कैंप भी यहां पे रखे थे और अभी भी वो जारी है। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जितने मासूम बच्चे हैं उनको जेवर तालीम से आरास्ता करें, दुनिया की दौड़ में उनको भी शामिल करें और उनको इल्म की दौलत के जरिए अपने जिंदगियों में एक नई और कामयाब तब्दीलियां लाने का एक मौका अदा करें। और इल्म ही एक ऐसी चीज है, वाहिद चीज है, जिसके जरिए हम जिंदगी के हर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं, जिंदगी के हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं, अगर हमारे पास इल्म की ताकत हो। और आज हम देखते हैं कि वो कौम जो इल्म से दूर रहती है वो दुनिया की दौड़ में सबसे पीछे रहती है, और वो कौम जो इल्म के करीब है और इल्म जिसके पास है उस कौम के हाथ में दुनिया की बागो दौड़ आ जाती है। तो इल्म बहुत ही अहम है, और आज अगर हमारी नाकामियों के कई वजूहात हैं तो उनमें से एक अहम वजह यह है कि हम इल्म से दूर हैं। तो आज उसी कमी को पूरी करने के लिए, वो दूरी को खत्म करने के लिए सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट तालीम के मैदान में काम करने की एक कोशिश कर रहा है। मैं हरगिज फतेह ये नहीं कहूंगा कि हम कामयाबी के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं, नहीं, हमारी एक कोशिश है जो शायद आज कामयाब नहीं, लेकिन हमको यकीन है कि कल परसों जरूर हमारी ये कोशिश रंग लाएगी और हमको कामयाबी मिलेगी हमारी कामयाब। और आपको बिलखसूस उन लोगों को जो कभी हसरत भरी निगाहों से मदरसों और स्कूलों को देखकर दिल में इस ख्वाहिश को पैदा करते थे कि काश हम भी जाएं और ऐसे इस शानदार स्कूल में तालीम हासिल करें, वो मासूम आंखें जो वो ख्वाब देखती थी उस ख्वाब को हमने हकीकत में तब्दील किया और एक मौका फराहम किया कि आपको तालीम हासिल करने के लिए एक मरकज को हमने कायम किया, एक
इमारत को हमने कायम की, बनाई और आज आपको यह मौका मिल रहा है। इंसानी फितरत होती है, बगैर जिद्दोजहद के, बगैर तकलीफ से अगर कोई चीज मिल जाती है तो इंसान उसकी कदर, उसकी अहमियत उतना नहीं करता जितना उसका करना चाहिए। आपको अल्लाह ने जो मौका दिया यहां तालीम हासिल करने का, तो इस मौके की कदर करो, इस मौके को जिंदगी भर याद रखो। और अल्लाह ने जिस तरीके से आपको मौका दिया, कल को अगर आप काबिल बनेंगे तो ये तय कर लो कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे जिसके जरिए हम किसी गरीब को एक मौका देंगे और तालीम के जेवर से उसको आराम। ये चीज हमें पैदा होनी चाहिए। कौमों की कामयाबी या कौमों की मुस्तकबिल फर्द बाहर से नहीं बदलते या नहीं संवारे जाते। कौमों के मुस्तकबिल को अगर संवारना है तो फर्द वाहिद से नहीं, बल्कि सारी कौम को उठकर खड़े होना पड़ेगा अपने मुस्तकबिल को बदलने। अगर आज हम चंद लोग हैं जो कौम के मुस्तकबिल को बदलने की एक जिद्दोजहद, एक कोशिश कर रहे हैं, तो कल को अगर हमारी इस जिद्दोजहद, हमारी इस कोशिश में अगर आप भी शामिल हो जाएंगे तो हमारी कोशिश कामयाब हो कामरान हो जाएगी। आप किस तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं? आप बोलेंगे कि हम तो मानते इसमें शामिल हो सकते हैं। बेशक आप शामिल हो सकते हैं। हमारी जो कोशिश है तालीम आपको देने की, आप इस तालीम को हासिल करके अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल करके हमारी कोशिश को कामयाब करें। ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि हम मौका दे रहे हैं, और आपका काम क्या है? मौके को हासिल कर लेना, ग्रैब कर लेना। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं। मौके बार बार नहीं मिलते, जब भी मिले उस मौके को हासिल कर लो, थाम लो, उसको छूटने का दो। हाँ, मैं जानता हूं कि कोविड की वजह से दो साल तक स्कूल कभी खुला कभी बंद हुआ, ज्यादा अरसे तक बंद रहा, आपकी तालीम में डिसकंटिन्यूएशन आया, कई ड्रॉपआउट्स भी हुए। मैं जानता हूं सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को हुई है कोविड की वजह से तो मुझे हुई, क्योंकि मेरी 15-20 साल की मेहनत में खलल आया कि मिट्टी में या गंदगी में घूमते थे, फिरते थे, खेलते थे। हमने उन बच्चों को उन गलियों से खींचकर स्कूल में लाया था, और दो साल तालीम बंद होने से वो फिर से वही खेल कूद मौज मस्ती में आ गए, तालीम से दूर हो गए। काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी और आज भी हमारे टीचर्स कर रहे हैं कि काफी मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों को फिर से तालीम के तरफ रागब करना, फिर से उनको वो सारी चीजें दोबारा सिखाना जो हम सिखाए थे और वो बच्चे भूल गए। एक चैलेंज है जो हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स कर रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। ये मौका जो अल्लाह ने दिया इस चीज को समझना होगा। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में काफी बच्चे दाखिला लेने की ख्वाहिश रखते हैं और उनके वालिदैन आकर खड़े रह जाते हैं, मुझे बोलते हैं अकबर साहब दाखिला दे दीजिए, अकबर साहब एक बच्चा है दे दीजिए। हम मजबूर हैं, हमारे पास जितनी निश्चितें हैं उतनी ही निश्चितों पे उतने ही एडमिशन हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते।
लेकिन आपको सुन के हैरत होगी, एक वक्त ऐसा भी था जब मैंने अपना पहला स्कूल कायम किया, दूसरा स्कूल कायम किया, तो मस्जिदों से ऐलान करवाता था। मैं दौरा करके लोगों के घर पर ऐसा खटके मार के बोलता था कि आपके बच्चों को भेजिए हमारे स्कूल में, हम फ्री पढ़ाएंगे। हाँ, अगर साहब भेजेंगे बोलते थे और भेजते नहीं थे, नहीं भेजते थे, खाली रहती थी सीटें। लेकिन एक जिद्दोजहद की जो हमने की और तालीम की अहमियत को हमने इतना बताया कि आज अगर 100 निशिस्त है तो 1000 दरखास्तें आती हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि आज हर कोई चाहता है कि इल्म की जेवर से वो आरास्ता हो। तो मैं यहां बैठे आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि इल्म की अहमियत को समझो, इस मौके की कदर करो। इस इदारे में जो असातिज़ा आपको तालीम दे रहे हैं उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। सिर्फ तालीम या इल्म या दुनिया से दुनिया हासिल नहीं होगी, इस चीज को याद रखो। आप लोगों से कहूंगा अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो तालीम इल्म के साथ साथ 3-4 चीजें हैं जो आपको कामयाबी दिला सकते हैं, आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और वो चीजें क्या हैं? आप हम सब ज्यादातर यहां पे बैठे, यहां पे इस महफिल में शिरकत लोग मुसलमान हैं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया दुनिया पुकारो और चीखो चिल्लाओ, दुनिया के पीछे भी दौड़ करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि दीन 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 पुकारो और दीन के पीछे ही दौड़ो। इस्लाम वो मुकम्मल मजहब है जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने का पैगाम देता। इस्लाम दुनिया और दीन दोनों को साथ ले चलने का मुकम्मल मजहब है। आज हमको दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो देनी है। हमको दुनिया में कामयाबियां हासिल करने के लिए अल्लाह को राजी रखना जरूरी है। हमको दुनिया के इल्म के साथ साथ अपने मां बाप को राजी रखना भी जरूरी है। दुनिया की कामयाबी अगर हासिल करना है तो इल्म के साथ साथ हमको बड़ों का एहतराम भी करना चाहिए। तालीम के साथ साथ हमको अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, चाहे उस उस्ताद ने एक लफ्ज भी अगर आपको पढ़ाया। इस चीज को समझो, अपने मौकिलों को पहचानो। और सबसे अहम चीज कहूंगा कि नमाज के पाबंद हो, ये जरूरी है। नमाज के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो। जिंदगी में एक मरतबा तर्जुमे से कुरान खत्म करने की कोशिश करो। सुन्नत रसूलुल्लाह के अमल पैदा हो जाओ। खुद ब खुद देखो आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, बहाली आ जाएगी, कामयाबियां आ जाएंगी, तरक्की आ जाएगी और आप एक बुलंदी पर पहुंचते जाएंगे। इसलिए कि आप ये अल्लाह को राजी कर रहे हैं। और अल्लाह को राजी हम कैसा कर सकते हैं? अल्लाह को राजी हम नमाज से कर सकते हैं। अल्लाह को राजी हम कुरान की तिलावत से कर सकते हैं। अल्लाह को राजी हम सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करके कर सकते हैं। अल्लाह को राजी हम उस वक्त कर सकते हैं मां बाप की खिदमत करके मां बाप को राजी रखेंगे तो अल्लाह भी राजी रखेगा। भाई बड़ा भाई बड़ी बहन, छोटे भाई छोटे बहन को खुश रखेंगे, उनको राजी रखेंगे तो अल्लाह राजी होगा। इस चीज को याद रखो, अपने टीचर्स का अपने उस्ताद का एहतराम करेंगे, राजी रखेंगे तो अल्लाह भी राजी होगा। आज हम कहते हैं कि अरे हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में हैं, हमको ये है हमको वो है। अरे आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं,
तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो ये मुसीबतें क्यों आई हैं, इस मुसीबत का सबब क्या है। मैं ये कहूंगा कि हर मुसीबत का सबब है तो वो ये है कि अल्लाह से दूरी का नतीजा है कि अल्लाह हमसे दूर हो गया और मुसीबतें बड़ी बात है। अल्लाह करीब रहेगा और हम अल्लाह के करीब रहेंगे तो मुसीबतें हमसे दूर रहेंगी, परेशानियां हमसे दूर रहेंगी। इस चीज को याद रखें। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पढ़ते हैं कि एक दिन कितने घंटे का होगा, 24 आवर्स, 24 घंटा है ना, 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मजाक करते हैं, दिल्लगी करते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल फोन भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम 24 घंटे में करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। और 24 घंटे में अल्लाह सुभानहु व तआला की कई नेमतें हमको हासिल होती हैं, कई नेमतें। नींद भी अल्लाह की नेमत है, अच्छा खाना अल्लाह की नेमत है, खुशियां अल्लाह की नेमत है, मुस्कुराहट अल्लाह की नेमत है, कई चीजें अल्लाह की नेमत है। 24 घंटे में अल्लाह सबसे बड़ी आपको नेमत अता कर रहा है तो क्या है, आपको बाहयात रख रहा है, बाहयात रख रहा है, आपके मां बाप को हयात दे रहा है, आपके घर वालों को रिजक दे रहा है, आपके घर में खुशियां दे रहा है। कई अल्लाह की नेमतों के लम्हात आते हैं हमारे 24 घंटे में, आते हैं या नहीं, कई चीजें आती हैं, लेकिन हम उस 24 घंटे में अल्लाह का शुक्र कितने मरतबा अदा करते हैं, ये चीज को आप सोचो और गौर करो। 5 वक्त की नमाज कितनी देर लगेगी, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, 5 नमाज। सिर्फ फर्क पढ़ लो, 5 मिनट से भी कम वक्त में नमाज हो जाएगी। 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, अगर 24 घंटे में 5 नमाज पढ़ते हैं तो कितना वक्त जाएगा, 25 या 24 मिनट। तो सवाल यह है, अल्लाह 24 घंटों में कई नेमतों से हमको नवाज रहा है, लेकिन हम 24 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते, चाहिए और करो, क्या हम 24 मिनट नहीं निकाल सकते? आपकी नींद में से, आपके खाने में से, आपकी मुस्कुराहट में से, आपकी खुशियों में से, आपके मां बाप की खुशियों में से, घर की खुशी में से, मसरतों में से, क्या हम एक दिन में 24 मिनट नहीं निकाल सकते? कोई मुश्किल काम नहीं है, 24 मिनट आप निकाल लो रोज, अल्लाह देगा कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी। नमाज बहुत है, खुदा का नमाज से दूर ना हो, 2 मिनट 3 मिनट निकालो, कुरान भी पढ़ो। आज यहां पे सिलेबस है अनवर साहब के जरिए हमने एक सिलेबस बनाया हमारे स्कूल में, शायद आप भी पढ़ते होंगे, कुरान भी पढ़ाई जाती है, जदीद साइंस टेक्नोलॉजी और इस्लाम भी एक है उसमें, तारीख इस्लाम भी है ना, सब पढ़ा रहे हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से अगर कोई बच्चा या बच्ची 10th पास करती है तो सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट नहीं ले जाती है, बल्कि हमारे पास से 10th के साथ साथ एक बच्चा और बच्ची कुरान भी खत्म करके जाती है, कुरान भी याद करके जाती है, सीरत नबी भी खत्म करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्लाम में खत्म करती है, और फिर उसके साथ साथ तारीख इस्लाम भी खत्म करती है।
तो हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन क्या है, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दी जाए। दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलने का नाम इस्लाम है और दीन और दुनिया दोनों को तालीम देने का मरकज का नाम है इसी पूरा बैठे हैं। ये हमारा काम, ये मकसद है हमारा, आपका भी ये होना चाहिए। और मैं आपसे कहूंगा, सबसे बुरी आदत हमारी कौम को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो वो क्या है मालूम आपको? नहीं, हमारे घरों में हमारे भाई बहन बड़े सब नींद से बेदार होते हैं बहुत देर से। सुबह 6 बजे निकल जाओ इन गलियों में तो कोई नहीं दिखता। मैं पहले सुबह 7-7:30 बजे दौरे करता था तो हमारे वर्कर्स बोलते थे, अरे साहब 7:30 बजे आए तो कौन मिलेगा? और मुझे लोग बोलते थे, अकबर साहब आप दिख रहे नहीं। मैं उनको बोलता था मैं सुबह 7 बजे आके गया, तो वो लोग बोलते थे 7 बजे कौन उठता साहब इसी सुबह आए। अरे 7 तो देर हो गई, अल्लाह को अज़ान के जरिए आवाज दे रहा है कि सोने वाले हो गया। अल्लाह फजर की अज़ान में अल्लाह से आवाज नहीं दे रहा है और कह नहीं रहा है कि उठ जा सोने वाले उठ जा, उठने का वक्त है, नमाज का वक्त है। लेकिन हम वो वक्त भी नहीं उठते, 7 बजे भी नहीं उठते। आज हमारी बस्तियों में देखो तो घमाघुमी कब दिखती है? 4-5 बजे के बाद में घमाघुमी दिखती, ट्रैफिक दिखती, बाजार भरा हुआ दिखता। हमारा मिजाज तो ये है कि रात भर अगर दुकान खुली रही, बाजार खुला रहा तो हमसे ज्यादा खुश होने वाला कोई नहीं है। ये हमारा मिजाज है, ये हमारा मिजाज है। वो हम जो सुबह अलग सुबह बेदार नहीं हो सकती, वो कौम दुनिया में कामयाब भी नहीं हो सकती। वही कौम कामयाब होगी जो सुबह में बेदार हो सकती है, अल्लाह की हया अल फलाह की आवाज पर उठकर वजू करके मसाजिद को जो जाते हैं वही कौम कामयाब और कामराज है। हमको उठो सुबह में, रात में जल्दी सो जाओ, नहीं ये देखते वो टीटी वो ठाटा चबूतरों की रौनक, बाजारों में घमाघुमी, बस शादियों का तो यह आलम है कि शादी में चले गए तो बस 12 बजे 1 बजे वापसी। और शादी में जाना जरूरी है, ऐसा जरूरी है जैसे मुकद्दस मुकाम की जियारत है, नहीं गए तो गुनाह होने वाला है। यही मिजाज है हमारे कौम का। हमारे पास बच्चे नहीं आते, क्यों नहीं आए बच्चे? नहीं, वो घर में शादी थी तो रात में देर हो गई। अरे आप शादी करिए, शादी में शरीक होइए, लेकिन शादी के नाम पर इन मासूमों के मुस्तकबिल को अंधेरे और तारीकी में मत डालिए। मेरा पैगाम है लोगों, आपकी खुशियां आपको मुबारक, इन मासूमों की खुशियों को क्यों छीनना चाहते हैं शादियों के नाम पर? इतने शादियां आप देखो, ये रोड पे देखते हैं तो क्या है, बस शादी खानों की मंडी है, बस लगी हुई है, बस चल रहा। आप लोगों से कहूंगा, आप लोगों के लिए अहम क्या है? शादियों में जाना नहीं, आप लोगों के लिए अहम है सुबह उठ के स्कूल को आना। ये चीज तय करो, ये चीज तय करो, ये हमको तब्दीली लानी पड़ेगी, तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर ये तब्दीली नहीं आएगी तो नहीं होगा। मुझे भी बहुत सारे लोग देते हैं रुपा, मैं साफ कह देता हूं, माफ करना साहब, मैं शादियों में कम जाता हूं, हाथ जोड़ के मौजूदा खाई कर लेता हूं और बोलता हूं कि अगर मगरिब के बाद अगर दूल्हे आ रहे हैं, निकाह हो रहा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाता। मैं मुझे रुपा देते ऐसा लिस्ट बना लेता हूं, रूट बनाता हूं, मगरिब पढ़ता हूं, निकल जाता हूं, शादी खाने में कोई नहीं रहते,
सफाई झाड़ू होते रहती, मैं गाड़ी ले जाता हूँ, हाँ मैं आया था बोलो चला गया, ये मेरा मिजाज है। मैं तुम्हारे काम से निकलता हूँ, मैं दूसरे एमएलए की तरह नहीं हूँ कि उसको सिर्फ अपना हलका अपने लोग की जिम्मेदारी है, नहीं, मेरे ऊपर मेरे हलके की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर दवाखानों की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर मेडिकल इंजीनियरिंग एनडीए एमसीए दूसरे सारे कॉलेजेस की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ये स्कूल की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बैंक की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर सब जिम्मेदारी है। अगर मैं रात के 12-1 बजे तक शादियों की सैर करता रहा तो सुबह में उठ नहीं सकूंगा, काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगर अपने जिस्म को ढकेलूंगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क में फर्क आएगा, काम खराब होगा, अच्छा नहीं। तो आप लोगों से भी कहूं, इस चीज को समझिए, खुदा का समझिए, एक मौका अल्लाह दे रहा, इस मौके से फायदा उठाइए, तालीम हासिल करिए। आज हमारे कितने स्कूल हैं, हमारे कितने ज्यादा स्कूल हैं कि एक स्कूल बनाऊंगा सोचा था जिंदगी में, लेकिन अल्लाह ने इतने स्कूल बना दिए। मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो उस काबिल भी नहीं, कैसे आए, कैसे बने, कैसा हुआ काम, मैं खुद नहीं जानता, अल्लाह का काम था, अल्लाह करा दिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझ गुनहगार का इंतखाब किया। मगर मैं कहना यह चाहता हूं, अगर नीयत है ना, नीयत अगर है और सच्ची नीयत है ना, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। इसी बराबर ईमान रहना चाहिए, ईमान, ईमान रहना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया, एक शराबी था, बहुत ही नशे में रहता था, बस उससे लोग उस शराबी से पूछे, ये सुई है और ये सुई में धागा पुरने की जगह है, क्या इसमें से ये ऊंटों का या हाथियों का और ये लोगों का काफिला, क्या ये सुई का धागा जिसमें डालते हैं क्या इसमें से जा सकता है? तो वो तो नशे में था और एक बड़ा नेक आदमी था, नेक थे, जो भी अल्लाह का हुक्म था उस वक्त वो सारे अदा करता था। उससे पूछे तो उसने कहा, क्या दीवाने हैं ये ऊंटों का, हाथियों का, ये लोगों का काफिला, ये धागे क्यों उसमें से जाएगा, कैसा सवाल है तुम्हारा? और शराबी से पूछे, नशे में खुद था, बता क्या ये ऊंटों का, ये हाथियों का, ये इतना बड़ा काफिला, ये सुई को पुरोने के उस धागे की जगह से क्या जा सकता है? तो नशे में झूमते हुए बोला, अल्लाह चाहा तो जरूर जा सकता है, तो अल्लाह चाहा तो जरूर जा सकता। क्या ईमान है? नशे में है लेकिन ईमान मजबूत है, वो होश में है लेकिन कमजोर ईमान है, ये ईमान ऐसा होना, आपका ईमान ऐसा पुख्ता होना कि अल्लाह चाहा तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह राजी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। तो इसलिए अल्लाह को राजी रखो। मैं एमएलए हूं 25 बरस से, सबसे पहले एमएलए कब बना मालूम आपको? 25 बरस का था, तो लोग बोलते थे, अरे ये इतना छोटा बच्चा एमएलए बनेगा, अरे बच्चा कहां बनेगा, वो अखबारात लिखते थे कि छोटा मासूम बच्चा कहां से जीतता, किधर से जीतता बोले। लेकिन मुझे यकीन था अल्लाह चाहा तो जरूर जीतूंगा और जीता। जब मैं जीता तो पूरे अखबारात की सुर्खी थी, कौन हुकूमत बनाया उसकी सुर्खी नहीं थी, एक 25 वर्ष का बच्चा जीत गया वो सुर्खी। जिंदा हूं, आज जिंदा हूं ना, आपके सामने खड़ा हो, 3 गोलियां खाया, 3 गोलियां मारे, ऐसा कितने मरतबा चाकू से ऐसे मारे, यहां पूरा जिसम छन्नी हो गया, लोग बोले अब तो मर गया, अल्लाह राजी था, यकीन था जिंदा हूं आपके सामने खड़ा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि अल्लाह की जात पे कामिल यकीन रखो, अल्लाह को राजी रखो, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको झुका नहीं सकती, हारा नहीं।
इस चीज को याद रखो, अल्लाह राजी तो दुनिया राजी, अल्लाह की रजा की फिक्र करो, दुनिया की फिक्र मत करो। अकबर उद्दीन ओवैसी दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया चाहे जो बोल ले, जो लिख ले, जो कह ले, मुझे उनकी परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो अल्लाह की, मुझे परवाह है तो आखिरत की, किसी की परवाह नहीं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, कितनी गालियां मुझे देती हैं, बदले बुरा भला, मेरे किरदार, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के बारे में, अरे इतना लिखे, लिख लिख के थक गए, बोल बोल के खत्म हो गए, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि बोलने वालों का काम बोलना है, बोल लो, हमारा काम करना है अल्लाह को राजी रखना, ये है ना। इस चीज को कहा, आज न्यूट्रिशन का प्रोग्राम हुआ, दूसरी तरफ एक हेल्थ चेकअप हो रहा, तालीम, दुनियावी इल्म, दीनी इल्म, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्थ कार्ड के हेल्थ के बारे में भी हमको फिक्र है कि कई बच्चे हैं जिनकी आंखें कमजोर हैं। हर तीन महीने को हमारे मेडिकल कॉलेज की टीम आएगी, बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी, उनको देखेगी कि इनमें कोई कमजोरी है क्या, आंख कमजोर है तो ऐलान देगी, किन डिजीज है तो उसके लिए दवा देगी, अगर उनके दांत खराब है तो वो भी करेंगे। किसी से कोई पैसा न पढ़ाने को लिए, न या पढ़ने वाले बच्चों की सेहत के लिए हम लेंगे, सब लेंगे। हर बच्चे का हेल्थ कार्ड होगा हमारे पास, हर पढ़ने वाले का हेल्थ कार्ड होगा, हर तीन महीने छह महीने में उनकी हाइट भी हम चेक करेंगे, उनके स्किन को देखेंगे, उनके दांतों को देखेंगे, आंखों को देखेंगे, बालों का चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ तालीम में ताकतवर नहीं रहे बल्कि सेहतमंद भी रहे। ये हमारा, और आज आपके स्कूल में है फंक्शन, हमारे पूरे स्कूल्स में, नशेबंद नगर में भी पूरा स्कूल के जितने बच्चे हैं उनका भी हेल्थ कार्ड होगा, रियासत नगर में जो बच्चे हैं उनका भी एक हेल्थ कार्ड होगा, फिर अंबरपेट में भी जो बच्चे हैं उनका भी एक हेल्थ कार्ड होगा, फिर बाबा नगर आज यहां पर भी हुआ, फिर इसके बाद नरसिंहपुर बाग में भी होगा। तो हमारे जितने स्कूल हैं पूरे जगह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बाबा नगर में एक और ऐलान करता हूं, रुख्सत हो जाऊंगा कि ये एक स्कूल की मीटिंग की ना, बहुत दरखास्तें आ रही, तो हम एक और एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गई, ऐसा तालीमी साल से वहां पर भी तालीम काम आ रहा है हमारा। क्योंकि अब आप देखिए बाहर खड़े हैं वालिदैन, इनमें से कई खवातीन मुझे बोलेंगी, अकबर साहब हमारे बच्चे को या हमारी बच्ची को दाखिला दे, तो इतना डिमांड है, तो ये स्कूल को हम आइंदा साल से सीनियर स्कूल कर देंगे, और वो उमर कॉलोनी में जो स्कूल है उसको प्राइमरी स्कूल कर देंगे, वहां पे तीन सेक्शन, यहां पे तीन सेक्शन, ये हमारा है। मकसद ये है कि हाफिज बाबा नगर के हर घर में इल्म की रोशनी का, इल्म के दिए का उजाला हो, और हर घर रोशन हो रहा है इल्म की रोशनी, ये हमारा मकसद। इंशाल्लाह आइंदा तालीमी साल से सिर्फ ये उमर कॉलोनी के स्कूल का आगाज नहीं होगा, उमर कॉलोनी के स्कूल का भी आगाज होगा, और साबिका में एक डैजलिंग स्कूल था वो भी मैंने खरीद किया, उसको भी बनाया है, 1,00,000 स्क्वायर फीट बिल्डर एरिया है, वहां पर भी सालाने मिलकर KG-2 PG कैंपस का आइंदा तालीमी साल से वहां पर भी आगाज हो जाए। हमने इफ्तिताह नहीं किया, वो क्या करते मालूम ना आपको, काम होने से पहले रिबन काटते हैं, अकबर ओवैसी काम होने के बाद भी रिबन नहीं काटता, बस काम होने दो कहता, हमारा बदला बड़ा
बल्ला गोले का केजी टू पीजी का कैंपस भी शुरू हो गया, वहां के बच्चों को तालीम का आगाज हो गया। नर्सरी से लेके सेकेंड तक, नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट एंड सेकेंड, वहां पे करीब 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इफ्तिताह भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो भी स्कूल का आगाज हो गया। इंशाल्लाह उतारा आइंदा तालीमी साल से सलाला बारकत के स्कूल में भी हम तालीम का आगाज कर देंगे, वो भी इमारत मुकम्मल। और जमाल कॉलोनी रियासत नगर में ये लड़कियां जो हैं, इन लड़कियों के लिए नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तालीमी साल से जूनियर कॉलेज का भी आगाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट तालीमी साल से बल्लागुड़े में भी हम जूनियर कॉलेज का आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर दार्जिलिंग में भी हम जूनियर कॉलेज लाएंगे, और 2 साल के बाद डिग्री कॉलेज भी हमारे साथ हो जाएगा इंशाअल्लाह बल्लागुड़े में दार्जिलिंग। आप गौर करो, एक इंसान और एक वालिदैन अपने 2-3 बच्चों को पढ़ाने में परेशान हो जाते हैं, स्कूल की फीस नहीं दे सकते, लेकिन आपका ये खिदमतगुजार अकबर ओवैसी हजारों बच्चों को वो तालीम का इंतजाम कर रहा है। किसके लिए? किसके लिए? अपनी आखिरत के लिए और आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए कर रहा है। इस चीज को समझो खुदा। और फिर इंशाल्लाह 30 तारीख को मुगलपुरे में एक शादी खाना था। लोग जमीन खरीद के शादी खाना बनाते हैं कमाई के लिए। हमने शादी खाना खरीदा, बंद किया और एक तालीम का मरकज बनाया मुगलपुर। लोगों को शादी खाने बनाने की फिक्र है तो हमको स्कूल बनाने की फिक्र है। और वहां पे मुगलपुरे में एक फखरे मिल्लत, हमने फखरे मिल्लत के नाम से, फखरे मिल्लत कौन थे मालूम आपको? मालूम होना चाहिए। फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन खत्म हो गई थी, तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को फिर से अहिया करके कायम करने वाले का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी। अगर अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस का अहिया नहीं करते तो ना मैं होता, ना सत्ता होते, ना सालार होते, ना ये इमारत होती। अल्लाह फखरे मिल्लत अले रहमा की खबर को नूर से तरसे कि मजलिस का अहिया किया तो उस वक्त भी लोग बोलते थे कि फखरे मिल्लत दीवाना है बोलते, लेकिन वो परवाह नहीं करते, जिद्दोजहद करे। उसके बाद सालार मेरे वाले वो आए सियासत, और उनके बाद अब असद साहब हैं, हम हैं, ये कारवां को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने फखरे मिल्लत अले रहमा को सिराज के तौर पर, उनके खिदमात को सिराज पेश करने की एक छोटी सी एक कोशिश हमने की है। उनके नाम से हमने फखरे मिल्लत कैरियर गाइडेंस का एक मरकज बनाया और एक ट्रेनिंग का मरकज बनाया। वहां पे उस बिल्डिंग में 10th की कोचिंग क्लासेस होंगी, 11th एंड 12th इंटरमीडिएट की कोचिंग फ्री दी जाएगी, डिग्री के सब्जेक्ट की फ्री कोचिंग। वहां पे हम कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के, अकाउंटिंग के जितने भी कोर्सेज हैं वो भी फ्री वहां पे हम करेंगे। और नीट की कोचिंग फ्री दी जाएगी, एमसेट की कोचिंग फ्री दी जाएगी, आईसेट की कोचिंग फ्री दी जाएगी। जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी सबकी कोचिंग हम फ्री देंगे, और इंशाल्लाह आने वाले कल में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग वहां देंगे, और वो दिन दूर नहीं, लोग करेंगे
हमको अगर रोवेसी ने दिया है, देखो आज हम क्या है, ये बनेगा जरूर बनना। सारी बातें मैं बोला, एक बात नहीं बोला, क्या डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस सब बोला, एमएलए बनो नहीं बोला, नहीं पढ़ो लिखो ये सब छोड़ो, मुझे भी ख्वाहिश नहीं है मिले रहने, डॉक्टर बनना था नहीं बन सका, तो आप लोग से भी कहूंगा पढ़ो लिखो काबिल बनो नेक बनो। और आज के प्रोग्राम का पैगाम क्या है, आज हम सब क्या तय करके उठेंगे यहां से, एक ही चीज, नमाज पाबंदी से पढ़े, देर मैं आपसे मुखातिब था, आसान नहीं है, यहां बहुत दर्द होता, मुझे चीखने से बहुत दर्द होता है, खुल गया, बहुत दर्द होता है, अगर इस मजमे में से एक भी बेनमाजी अगर नमाज का पाबंद बन जाए तो मेरा दर्द कुर्बान है उस पर, मेरी पसंदी का मिला है। मुखलिफ की तकरीर की कामयाबी उसके अल्फाज से नहीं होती, उसके पैगाम की कबूलियत और पैगाम की कामयाबी से होती। मेरे अल्फाज की कामयाबी मुझे उस वक्त मिलेगी जब आप लोग नमाज के पाबंद बन जाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे, माँ बाप का एहतराम करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों का लिहाज करेंगे, यतीम के सर पर हाथ रखेंगे और अपने उस्ताद की अपने टीचर्स का एहतराम वो इज्जत करेंगे, तो आज हमारी तकरीर कामयाब हो, हमारी तकरीर कामयाब हो। देर से उठने वालों जल्दी उठना शुरू कर दो, यहां नहीं कहीं बैठ के सुन रहे हैं तो खुदा रा सुबह उठना शुरू कर दो तो तकरीर कामयाब हो जाए, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है कौन की। तो मैं आप सबसे आपसे कहूंगा, वक्त कम है, 10 के इम्तिहान करीब है, 10 के बच्चे बच्चियों से कहूंगा मेहनत करो, वक्त करीब है, वक्त करीब है, कोविड में तो हर कोई पास हो गया, आपका इम्तिहान सख्त है, मेहनत करो। यहां पे हम 10th के कोचिंग के क्लासेस भी कभी आगाज करेंगे जनवरी में, अगर स्कूल की पढ़ाई में अगर कोई कमी रह जा रही है तो हम शाम में 10th के कोचिंग क्लासेस का आगाज जनवरी में कर रहे हैं, यहां हाफिज बाबा नगर में कर रहे हैं, जमाल कॉलोनी में कर रहे हैं और मोगलपुरे में 3 जगह पर 10th के कोचिंग क्लासेस, और ये कोचिंग क्लासेस सिर्फ ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों के लिए नहीं है, ये कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट के मदरसों में पढ़ने वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तेलुगु मीडियम के लिए भी है, सबके लिए है। लोगों के दिल तंग है हमारे लिए, उनके घरों के दरवाजे खुले नहीं, लेकिन अकबर ओवैसी का दिल बड़ा है, हमारे दरवाजे खुले हैं, हर कोई आ सकता है, मुसलमान भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, जिसको भी पढ़ रहे हो अकबर ओवैसी तुमको कराने तैयार है, हमारे दरवाजे खुले हैं। का फायदा उठाइए, पढ़िए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुभाना व तआला आपको हमको नेक बनाए, हाबिल बनाए, नमाज का पाबंद बनाए, कुरान को तिलावत से पढ़ने की अल्लाह हमको हिदायत दे, माँ बाप का इताअत गुजार बनाए, असातिज़ा का इज्जत करने वाला बनाए, अल्लाह हम सब के घरों में खैर और बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाए, अल्लाह हमारी बहनें जो घरों में बैठी है अल्लाह इनकी शादियां करवा दे, अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाए, अल्लाह मखलूस लोगों के फर्जों को दूर फरमा, अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, अल्लाह इन इदारों में जो भी अपनी तरफ से जो भी
ताउन कर रहे हैं, अय अल्लाह तू गैब से इनकी इनकी औलाद की मदद फरमा। अय अल्लाह हमारे डायरेक्टर साहेबान को सहल अता फरमा, इनको नेक बना, काबिल बना इनकी औलाद के मुस्तकबिल को रोशन। अय अल्लाह ये न्यूट्रिशन की टीम जो आई है यहाँ पे एक खिदमत के नीयत से है अल्लाह, इनकी खिदमात को कबूल फरमा, इनकी मुसीबतों परेशानियों में गैब से इनकी मदद फरमा। अय अल्लाह दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की जो टीम आई है इन गरीब मासूम बच्चों के सेहत का हकदार बनाने के लिए, इनके सारे टीम मेंबर्स की खिदमत को तो कबूल फरमा, इनकी मदद फरमा, इनके आलात पर इसका अजर दे, इनके हाथों में और शिफा दे। अय अल्लाह इनको कामयाब कर, हम सबको नेक बना, एक बना। वाखिर दावाना हम नहीं अब तो शुरू कर रही हूँ, जवाब आया तक हो जाती। अच्छा तुम कहाँ हैं? ऐसा हाँ हो जाता, हाँ निकलो बोलो। बोलूं?